सिंगर ने दर्द भरे नगमों को कुछ यूं आवाज दी कि सुनने वाले का कलेजा छलनी हो जाए। वहीं जब आइटम नंबर गाए तो हर कोई बिल्लो रानी की अदाओं पर कुर्बान होने को आमादा दिखने लगा। सही मायने में गायकी के हर फन हर अंदाज में माहिर एक बेमिसाल फनकार जिसे दुनिया ऋचा शर्मा के नाम से जानती है। ऋचा ने जो भी गाया उसमें डूबकर कुछ यूं अंजाम दिया कि उस गीत में किसी और आवाज की कल्पना बेमानी लगती है। फिल्म बागमा के गाने में ऋचा ने दर्द का ऐसा दरिया बहाया जिसका पानी हर सुनने वालों की आंखों के जरिए बाहर आया। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। मैं हूं आरजे प्रीति कमल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैमरा और बात हो रही है मशहूर सिंगर ऋचा शर्मा की। ऋचा शर्मा की पहली पहचान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर की है और बाद में बेमिसाल प्लेबैक सिंगर की, जिनका हर गाना एक अलग दुनिया में ले जाकर छोड़ देता है। सामने सुनने वालों की भीड़ हो और मंच पर ऋचा शर्मा, तो इनका अंदाज देखते ही बनता है। अपने देश में स्टेज पर इनके जैसी दमदार फीमेल परफॉर्मर शायद ही कोई। इस सिंगर की गायकी या फिर अपने कमिटमेंट के प्रति जुनून कहिए या समर्पण या फिर श्रद्धा, अपनी माँ की मौत के बाद वो टूट गई थी। मौत के दो दिन बाद ही एक शो होना था, मन बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन ऋचा ने वही किया जो एक सच्चे कलाकार का फर्ज होता है। एक लाइन है, शो मस्ट गो ऑन, और इसे ऋचा ने चरितार्थ करते हुए माँ के जाने के गम को दिल में दबा कर वो शो किया। जीवन की क्या औकात है, अरे चार दिन। अपने फर्ज और गायकी के प्रति ऋचा के जुनून की अब दूसरी मिसाल सुनिए। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वो अस्पताल में भर्ती थी, कई दिन हो गए, सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। अगले दिन उनके एक कार्यक्रम की बुकिंग थी, वो डॉक्टर से बार बार छुट्टी देने की गुजारिश कर रही थी लेकिन अनुमति नहीं मिली। अगले दिन वो हॉस्पिटल से बिना बताए भाग निकली, हाथों में जो ड्रिप लगा था उसे रास्ते में फेंक दिया, मेकअप किया फिर पहुंच गई शो करने। ये अलग बात है कि पहला ही गाना गाने के बाद वो बेहोश हो गई और उन्हें फिर से अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। भले ही उनका ये फैसला गलत कहा जाएगा लेकिन अपने पेशे के प्रति समर्पण की जो मिसाल उन्होंने पेश की वो नायाब थी। ऋचा शर्मा की आवाज सुरों के सागर में हैरान करने वाले अंदाज में अटखेलियां करती है। भले ही वक्त लगे लेकिन सुरमई जुबान का जादू भूगोल के फासले भी मिटा देता है। कुछ ऐसे ही जैसे फरीदाबाद के एक साधारण से परिवार की इस बेटी ने मिटा दिया। हरियाणा के छोटे से शहर से निकलकर उनकी आवाज पूरी दुनिया में पहुंच गई। उनके भक्ति गीत सुनकर आज भी मन असीम श्रद्धा से भर जाता है और हाथ खुद ब खुद अदृश्य शक्ति के प्रति श्रद्धा से जुड़ जाते हैं और बंद आंखों के साथ होंठ भी सुर में सुर मिलाने लगते हैं। वो गीत की आत्मा को समझकर जिस तरह उसकी गायकी में जान डाल देती हैं, वो आम तौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। ऋचा के सुर सूफियाना अंदाज में जब सतह की शिखर की ओर उठते हैं तो सुनने वालों के मन में मानो सब कुछ कुर्बान करने की हूक सी उठती है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। ये बेमिसाल सिंगर दर्द, बेबसी और विरह के गीतों को अपनी अद्भुत आवाज से बेनजीर बना देती हैं। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा।
दिल्ली के एक बेहद सामान्य परिवार की लड़की के लिए माया नगरी में जगह बना पाना आसान नहीं था। ना जाने कितने ही दिन और रातें संघर्ष के नाम रही। अपनी आवाज आजमाने के लिए दर दर दरख्वास्त और सालों साल नाउम्मीदी और कई बार बेइज्जती ने इस लड़की की जिद और जुनून को और पुख्ता किया। अब इससे जुड़ी एक और छोटी सी घटना सुनिए। एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नए सिंगर्स का ऑडिशन ले रहे थे। ऋचा भी पहुंची। करीब 8 घंटे इंतजार किया, फिर बोल दिया गया कि कल आना। कोई भी समझ सकता है कि इतने लंबे इंतजार के बाद ये जवाब सुनने वालों पर कितना भारी पड़ा होगा। संगीतकार अपने दफ्तर से बाहर निकलने लगे तो ऋचा उनके पीछे पीछे मिन्नतें करने लगी। बोली, सर प्लीज सुन लीजिए। तमाम गुजारिशों के बाद संगीतकार ने सिर्फ टालने के लिए कहा कि ठीक है सुनाओ, यही सुना दो। ट्रैफिक का शोर, हॉर्न, धूल और धुएं के बीच ऋचा क्या ही सुना पाती। वो बोली, सर ऑफिस में सुन लीजिए, बस 5 मिनट ही लगेंगे। वो राजी नहीं हुए। फिर क्या था, ऋचा का आत्मविश्वास बोल पड़ा। पूरे तेवर में ऋचा ने संगीतकार को एक बात कह दी। बोली कि सर आज आप मुझे 5 मिनट का वक्त नहीं दे रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप मुझसे गवाना चाहेंगे और मैं आपसे कहूंगी कि मेरे पास समय नहीं है। ये कहकर वो पलटी और वहां से चल दी। उनकी ये बात सच भी हुई और वो समय भी आया जब उस बड़े संगीतकार ने ऋचा से गवाना चाहा और उन्होंने मना कर दिया। उस बड़े संगीतकार का नाम तो कभी ऋचा ने नहीं बताया, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने दोगुनी मेहनत की और बॉलीवुड की सबसे काबिल फीमेल सिंगर्स की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। आज जाने किसी दिना करूं। ऋचा शर्मा ने कई मौकों पर अपने प्रोफेशन के प्रति डेडिकेशन और परफेक्शन की अद्भुत मिसाल पेश की है। इस पेशकश में आपको आगे बताएंगे कि 102 डिग्री बुखार में कैसे उन्होंने माही वे गाकर दुनिया को एक अमर गीत की सौगात दे दी। फिल्मों के गीत गाने पर मिलने वाली फीस का एक भी पैसा आखिरकार इस सिंगर ने आज तक क्यों नहीं खर्च किया? क्या है इसकी हैरान करने वाली वजह, जानेंगे आगे। एक बेहद कामयाब और शानदार गायिका होने के बावजूद ऋचा शर्मा का करियर हिंदी सिनेमा की राजनीति की भेंट चढ़ गया और उन्हें अब गाने मिलने लगभग बंद हो गए हैं। इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे, साथ ही जानेंगे कि बेहद लोकप्रिय और कामयाब सिंगर बनने के बावजूद ऋचा शर्मा की कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह गई जिसका मलाल उन्हें आज तक है। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला। अगर इश्क एक इबादत है तो उसे ऋचा की मौसिकी का अंदाज मुकम्मल बना देता है। उनके दर्द भरे गीत वाकई किसी इबादत से कम नहीं लगते। जिसकी आवाज में कभी दर्द का बेशुमार समंदर बहता है तो कभी अंतहीन उम्मीदों की रोशनी दिखती है। मोरा नहीं अर झूठो ही जाए। उनके सुरों की उड़ान में गजब का असर है जो मन में कभी बेचैनी का तूफान खड़ा कर देता है तो कभी उनके अलाप से मन सुकून से भरकर बेहद शांत हो जाता है। तुमसे फरियाद करते हैं हम। धार्मिक आयोजनों में गाने वाली इस सिंगर को बॉलीवुड में कैसे मिला ब्रेक और कैसा रहा इनके सिंगर बनने का सफर, अब उसकी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। ऋचा का जन्म 29 अगस्त 1974 में हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था, जबकि इनका पैतृक निवास उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली कस्बे में है। रोजी रोटी की तलाश में इनके पिता पंडित दयाशंकर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में रहने लगे। यहाँ वो कथावाचन और धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे। वो बहुत ही सुरीला गाते थे। इनकी माता का नाम मनोरमा देवी था। ऋचा अपनी पैदाइश के 3 महीने बाद की एक घटना अक्सर बताती हैं।
एक बार उनकी माँ ने दूध पिलाने के बाद ऋचा को जब डकार दिलाई तो उसकी आवाज़ उनके पिता को संगीतमय लगी और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि उनकी बेटी संगीत की दुनिया में नाम कमा कर उनका नाम रोशन करेगी। ऋचा की शुरुआती पढ़ाई फरीदाबाद में ही हुई, लेकिन घर में संगीतमय माहौल होने के कारण उनकी ज्यादा रुचि गाने में ही रहती थी। पिता रोज सुबह 5 बजे बहुत प्यार से ऋचा को जगाते और पूरा परिवार एक साथ कीर्तन भजन करता। उनके पिता किसी मजे हुए गायक की तरह मंत्रों का पाठ और कीर्तन भजन करते और सारे सदस्य उसको दोहराते थे। इसका असर ये हुआ कि 8 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के साथ एक धार्मिक आयोजन में प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही बटोरी। उन्हें इनाम के तौर पर 11 रुपए भी मिले। दिल के मंदिर में तुझको 11 साल की उम्र तक वो दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में होने वाले जगरातों, माता की चौकी और कीर्तन भजन गाकर नाम और पैसा दोनों कमाने लगी। इसी बीच उन्होंने संगीत का पेशेवर प्रशिक्षण भी लेना शुरू कर दिया। जब उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली तो एक दिन अपने पिता से बोली कि वो पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से संगीत पर फोकस करना चाहती हैं। पिता को ये बात अटपटी लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 साल का समय ले लो और अगर संगीत में कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो फिर से पढ़ाई शुरू कर देना। जो अब किए हो जाता ऐसा न कीजो। इसके बाद ऋचा ने संगीत सीखने के लिए अपने भाई बिट्टू शर्मा के साथ दिल्ली के गंधर्व विद्यालय में दाखिला लिया और फरीदाबाद से रोजाना दिल्ली आकर संगीत सीखती थी। उनका मन यहाँ कुछ इस कदर लगा कि इस कोर्स के सेकेंड ईयर में वो टॉपर रही। इस विद्यालय में उन्होंने सूफी बावरा नाम के गुरु से पेशेवर प्रशिक्षण लिया था। अब तक धार्मिक आयोजनों में गाकर वो दिल्ली और आसपास के इलाकों में अच्छा नाम कमा चुकी थी और दूसरे शहरों से भी उन्हें भक्ति कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने के लिए बुलावे आने लगे थे। इसी क्रम में ऋचा एक बार निर्माता निर्देशक सावन कुमार के घर मुंबई एक धार्मिक आयोजन में परफॉर्म करने पहुंची थी। साल था 1994 और महीना दिसंबर। इस कार्यक्रम में लता मंगेशकर, आशा भोसले, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आदेश श्रीवास्तव समेत फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज शामिल थे। यहां ऋचा ने इतनी शानदार प्रस्तुति दी कि हर कोई इनकी गायकी का मुरीद हो गया। सावन कुमार उस वक्त एक फिल्म सलमा पे दिल आ गया बना रहे थे। उन्होंने ऋचा को इस फिल्म में गाने का ऑफर दे दिया। करीब 1 साल बाद यानी 1995 में सावन कुमार ने अपना वादा निभाते हुए इस फिल्म का एक गाना ऋचा से गवाया। उन्नीस सौ 1995 में प्लेबैक सिंगर के तौर पर पहला ब्रेक मिलने के बाद ऋचा मुंबई में शिफ्ट हो गईं। वो दिल्ली और अन्य शहरों में अपने जागरण के शो करती थीं और जब मौका मिलता तो मुंबई आकर संगीत निर्देशकों के साथ मिलने लगी। यहाँ उनके संघर्ष का बहुत लंबा दौर चला। कई ऑडिशंस दिए पर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। ऋचा जब मायूस होती तो अपने पिता से बात करती और वो इनका हौसला बढ़ाते। ये भी बेहद अफसोस की बात है कि ऋचा के माता पिता अपनी बेटी की कामयाबी नहीं देख पाए। ताल फिल्म के रिलीज से 1 साल पहले यानी 1998 में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसका मलाल ऋचा को आज भी है। वो चाहती थी कि उनके माता पिता उनके कामयाब होने के गवाह बनते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिल्मों में सिंगर बनने के लिए संघर्ष करते 4 साल हो गए। 1998 की बात है, सुभाष घई अपनी म्यूजिकल हिट फिल्म ताल बना रहे थे। इसका म्यूजिक AR रहमान दे रहे थे और इस फिल्म में एक बार फिर रहमान और गायक सुखविंदर सिंह एक साथ काम कर रहे थे। ताल फिल्म में तमाम दिग्गज मेल फीमेल सिंगर्स अपनी आवाज दे रहे थे, जबकि एक गाने के लिए किसी नए सिंगर की तलाश चल रही थी। तभी सुखविंदर ने सुभाष घई और AR रहमान को ऋचा का नाम सजेस्ट किया। इस फिल्म में सुखविंदर के साथ उनका गाया नी मैं समझ गई बहुत पॉपुलर हुआ। ये गाना ऋचा के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। समझ गई, तो।
इस फिल्म के बाद ऋचा के करियर की गाड़ी चल निकली, एक के बाद एक फिल्में मिलती गईं और उन्होंने हिट गानों की झड़ी लगा दी। ताल के बाद 1999 में तरकीब फिल्म में उनका गाया गाना दुपट्टे का पल्लू जबरदस्त हिट रहा। इसके अलावा हेरा फेरी फिल्म का तुन तुनक तुन, जुबैदा का सैया छोड़ो मोरी बैया, लज्जा फिल्म का मोहे साजन के घर जाना है, साथिया का छलका छलका, कांटे का माही वे, खाकी फिल्म का मेरे मौला, रुद्राक्ष फिल्म का क्या दर्द है और सोच का निकल चली बे समेत उनके तमाम गाने जबरदस्त हिट रहे। यहाँ जानना बेहद दिलचस्प है कि माही वे ऋचा के सबसे ज्यादा पसंदीदा गानों में से एक है। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी तो उस दिन उन्हें 102 डिग्री बुखार था, लेकिन कई वजहों से रिकॉर्डिंग को टाला नहीं जा सकता था। तेज बुखार में भी ऋचा ने पूरी एनर्जी और शिद्दत से इसे रिकॉर्ड किया और ये गाना सुपर हिट रहा। ऋचा ने शाहरुख खान की कई हिट फिल्मों में बेहतरीन गाने गाए, फिर चाहे वो उनकी फिल्म कल हो ना हो या फिर ओम शांति ओम हो। इसके अलावा फिल्म माय नेम इज खान में एक गाना सजदा जिस अंदाज में गाया, ये उनके करियर के कुछ सबसे खास गानों में शामिल हो गया। अब बात एक ऐसे गाने की जो बॉलीवुड का सबसे लंबा गाना माना जाता है। इसे रिकॉर्ड करने का सौभाग्य भी ऋचा शर्मा को नसीब हुआ। फिल्म थी बाबुल और इसके संगीत निर्देशक थे आदेश श्रीवास्तव। आदेश और ऋचा की जोड़ी दर्द भरे और गमगीन गानों को बेहद कामयाब बनाने के लिए जानी जाती थी। इस फिल्म के सीन के मुताबिक गाने का फील और बाकी डिटेल्स समझाकर आदेश श्रीवास्तव स्टूडियो बूथ से बाहर आ गए। बिना किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के ऋचा ने 15 मिनट के गाने को आंख बंद करके रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग के बाद जब वो बाहर निकली तो देखा कि आदेश श्रीवास्तव की आंखें आंसुओं से भरी थी। बेहद दर्द भरे इस गीत के बोल थे, बाबुल मोरा नैहर छूटल जाए। हालांकि फिल्म में इस गाने का करीब 3 मिनट ही शामिल किया गया है। इसके अलावा 2006 में आई फिल्म उमराव जान में जावेद अख्तर का लिखा और ऋचा का गाया गीत अगले जन्म मुहे बिटिया ना की जो आज भी सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। ऐसी विदाई बोलो देखी कहीं है। ऋचा शर्मा संजय लीला भंसाली की भी पसंदीदा गायिका रही हैं। सबसे पहले उन्होंने 2007 में ऋचा को अपनी फिल्म सांवरिया में मौका दिया, जिसमें उन्होंने एक खूबसूरत ठुमरी गाई। इसके अलावा भंसाली की फिल्म पद्मावत में भी ऋचा ने होली सॉन्ग गाया था। ऋचा शर्मा के बारे में एक खास बात आपको बताने लायक है, उन्होंने फिल्मों के लिए मिलने वाली फीस का आज तक एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। दरअसल वो इन रुपयों को किसी सौगात और आशीर्वाद की तरह मानती हैं। अगर रुपए चेक से मिलते हैं तो उतनी रकम कैश निकाल कर वो इसे एनवेलप में रख कर भगवान के चरणों में समर्पित कर देती है। ऋचा ने अपने करियर में ज्यादातर हिट गाने दिए, वो गायकी की हर विधा में माहिर हैं, चाहे पारंपरिक गीत हों या फिर आइटम नंबर, दर्द भरे गीत रहे हों या फिर रोमांटिक सॉन्ग, उन्होंने जो भी गाया लोगों ने उसे खूब पसंद किया। ऋचा का करियर 2011 तक अपने उफान पर था, फिर अचानक कई ऐसी चीजें होती चली गईं, उनके पास फिल्मों के ऑफर आने अचानक कम हो गए। जहां एक ओर 2011 तक वो हर साल 8-9 फिल्मों में गाती थी, वो संख्या सिमट कर 1 या 2 पर पहुंच गई। इसकी वजह की बात करें तो इसके कारण कई रहे। ऋचा खुद मानती हैं कि प्लेबैक सिंगर के तौर पर लगातार बने रहने के लिए जो करना पड़ता है वो उनसे नहीं हो सका। पार्टी, पीआर और पब्लिसिटी में वो कहीं पीछे रह गईं। इसके अलावा गायकी के जिस अंदाज के लिए ऋचा जानी जाती थी, ऐसे सिंगर्स को हाशिए पर ढकेल दिया गया। अलीशा चिनॉय, जसप्रीत नंडरूला और ऋचा शर्मा जैसी सिंगर्स एक दौर में खूब डिमांड में थी, लेकिन अपनी साफ गोई के कारण उन्हें किनारे कर दिया गया। इसके अलावा बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड बन गया है,
एक गाने को कई सिंगर्स से गवा कर किसी एक की आवाज फिल्मों में शामिल की जाती है। ऋचा के साथ भी ऐसा हुआ। एक सीनियर सिंगर होने के बावजूद जब कई बार उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही भद्दे और दो अर्थी गाने लिखे जाने को लेकर भी ऋचा ने कई बार खुलेआम आपत्ति जाहिर की। इसका खामियाजा भी शायद उन्हें भुगतना पड़ा और आज वो लगभग पूरी तरह से इंडस्ट्री से बाहर हो चुकी हैं। निश्चित रूप से ये हिंदी सिनेमा और बॉलीवुड का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जहां एक ओर आज तमाम बेसुरे सिंगर्स का दबदबा है, वहीं ऋचा शर्मा जैसी काबिल और हुनरमंद गायिका को लोग मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी आमदनी पर कोई इसका ज्यादा असर पड़ा हो। दुनिया भर में उनके स्टेज शो की आज भी खूब डिमांड रहती है। ऋचा ने 2014 में कनाडा के ओटावा जैज फेस्टिवल में अपने देश को रिप्रेजेंट किया था। 34 साल पुराने इस फेस्टिवल में प्रस्तुति देने वाली वो पहली भारतीय गायिका बनी, जहां उन्होंने स्टीव मार्टिन और बॉबी मैकफेरिन जैसे कलाकारों के साथ परफॉर्म किया। इस सिंगर ने कई निजी एल्बम भी लॉन्च किए। निमयार नु सजदा कर दी, पिया और विंड्स ऑफ राजस्थान जैसे एल्बम्स में ऋचा की गायकी का लेवल देखा और समझा जा सकता है। मार्च 2011 में ऋचा शर्मा ने सारे गामा इंडिया द्वारा जारी अपना पहला साईं बाबा भक्ति एल्बम साईं की तस्वीर लॉन्च किया था। ऋचा बेहतरीन सिंगर होने के साथ ही एक बेहद नेक दिल इंसान भी है। कई मौकों पर इसकी मिसाल भी देखने को मिलती है। एक बार जब संगीतकार जोड़ी मीत ब्रदर्स ने एक गाना देख जवानी देख तैयार किया तो उनको फ्री में गाने के लिए एक बड़े सिंगर की तलाश थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मीत ब्रदर्स को हर जगह नाकामी हाथ लगी, लेकिन जब वो ऋचा से मिले और अपनी परेशानी बताई तो ये उनके लिए फ्री में गाने को तैयार हो गई। आज भी ऋचा को जब समय मिलता है तो वो अपने शहर फरीदाबाद आती हैं और यहाँ के मार्केट में निकल जाती हैं, जहाँ वो अपने पसंदीदा छोले भटूरे और चाट खाती हैं। ऋचा अपने कॉन्सर्ट के अलावा टेलीविजन के कई सिंगिंग शो में जज की भूमिका में नजर आ चुकी हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि एक बार फिर ऋचा को उनके काबिलियत के हिसाब से काम मिलेगा, जिससे चाहने वालों को उनसे कुछ नया सुनने को मिल सके। ऋचा शर्मा की सेहतमंद और लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।